यूपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ फूलपुर तहसील क्षेत्र खोजापुर निवासी विनोद शर्मा 27 दिसंबर 2021 को पैमाइश करने के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे, जिसमें दिनांक 3 जनवरी 2022 को जिलाधिकारी फूलपुर तहसील द्वारा पैमाइश करने के लिए टीम गठित की गई थी, जिसमें राजस्व निरीक्षक अशोक यादव द्वारा आज तक सीमांकन नहीं किया गया। 5 महीने हो चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व निरीक्षक अशोक यादव अपने घर बुलाकर 10,000 रुपये की मांग करने लगे। 5,500 घर पर लिए, 45 रुपये फूलपुर तहसील में लिए। इसके बावजूद बार बार तहसील का चक्कर कटवाते रहे। बड़ी मशक्कत के बाद दिनांक 6 जून 2022 दिन सोमवार को पैमाइश करने के लिए रखा गया था। कानून को साहब बोले, अभी तो 5,000 दिए हैं, जब तक 10,000 पूरा नहीं करोगे तब तक हम पैमाइश नहीं करेंगे। मुझे बड़े बड़े अधिकारियों और पुलिस वालों को पैसा देना पड़ता है। जब एक पत्रकार को न्याय नहीं मिल सकता तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। कानून को अशोक यादव कहते हैं कि एसडीएम साहब क्या करेंगे, रिपोर्ट मुझे लगानी है, जो मैं चाहूँगा वही होगा। आप पत्रकार हैं इसलिए 10,000 रुपये मांग रहा हूँ, दूसरे से 15,000 रुपये लेता हूँ। 10,000 रुपये न दे पाने के कारण मेरी ज़मीन का सीमांकन नहीं किए। जहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का दावा करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त करना है, ऐसे तहसील स्तर के कानून को अशोक यादव सरकार की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब देखना है कि सरकार ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी के साथ कार्रवाई होती है या पीड़ित पत्रकार को न्याय मिल पाता है या नहीं। मामला जब थाने पर आया, एसडीएम का आदेश इंस्पेक्टर को देने से किया इनकार। आज देखें श्यामल मौर्य की खास रिपोर्ट। मुझसे 5,000 रुपया लिए हैं और बोले कि 10,000 रुपया चाहिए, 5,000 रुपया दे चुका हूँ। 500 रुपया के घर पे जाके दिया हूँ, 45 रुपया जो है तेरे तहसील में दिया हूँ। 5,000 रुपया और मांग रहे मुझसे, कह रहे जब तक 10,000 रुपया मेरा पूरा नहीं होगा तब तक मैं फरमाइश नहीं करूँगा। ऊपर आगे देना पड़ता है। जितना पूछ रहा हूँ बताइए, 5 रुपया कसम खाओगे, यहाँ 5,000 मांग रहा हूँ। कसम खा रहा हूँ, पैसा मांग रहा है। मुझसे 5,000 रुपया लिए हैं और बोले कि 10,000 रुपया चाहिए, 5,000 रुपया दे चुका हूँ। 500 रुपया के घर पे जाके दिया हूँ, 45 रुपया जो है फिर तहसील में दिया हूँ। 5,000 रुपया और मांग रहे मुझसे, कह रहे जब तक 10,000 रुपया मेरा पूरा नहीं होगा तब तक मैं फरमाइश नहीं करूँगा। ऊपर आगे देना पड़ता है। राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुख करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।